वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों बिहार दरोगा रिजल्ट आ चुका है, आज है 28 तारीख। जैसा कि आप सभी को पता था कि रिजल्ट आने वाला था 28 तारीख को, तो प्रकाशित कर दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं क्या क्या दिया गया है, आज आपके लिए दिया गया है रिजल्ट और कट ऑफ भी जारी कर दिया गया है। तो कट ऑफ वगैरह देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग रिजल्ट चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने हिंदुस्तान का पेपर लिया है, यहाँ पे प्रकाशित किया गया है हिंदुस्तान में ही। तो इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है, कट ऑफ वगैरह जो है ये दिया गया है हिंदुस्तान के पेपर में। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि आज का तारीख क्या है। तो आप देख सकते हैं आज 28 जनवरी है, 28 जनवरी को ये प्रकाशित कर दी गई है। और चलिए अब देख लेते हैं रिजल्ट। तो ये रहा, मैंने क्लियरली सारा कुछ डाउनलोड कर लिया है, मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ इसे जूम करके। तो सबसे पहले कट ऑफ वगैरह कितने कैंडिडेट शामिल हुए थे एग्ज़ाम वगैरह में वो आप देख लेंगे सबसे पहले। तो इसे जूम कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट शिफ्ट कैंडिडेट डाटा, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये पहले डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट का देखेंगे। और तो सबसे पहले देख लेते हैं ऊपर में क्या दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दिया गया है, पूरा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया है 22/12/2019 रविवार को कुल 585,829 अभ्यर्थियों की प्रारंभिक लिखित परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई। परीक्षा फल में सफल अभ्यर्थियों का परीक्षा फल निम्न रूपीन यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का देख लीजिए, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट का कितने कैंडिडेट वगैरह थे, क्या क्या हुआ था, ये सारा कुछ देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का। तो यहाँ दिया गया था टोटल एडमिट कार्ड जो इशू की गई थी वो थी 2,92,920, जिसमें दो जो सेंटर थे वो डिसक्वालीफाई किए गए थे, जो लीक वगैरह का चर्चा हुआ था कि लीक हो गया है, तो उसका एग्ज़ाम सेंटर जो है डायरेक्टली कैंसिल कर दिया गया और टोटल कैंडिडेट को ही डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो देखिएगा सेंटर नंबर 1614 का जो है 500 अभ्यर्थियों को डिसक्वालीफाई किया गया है और 1719 सेंटर नंबर 1719 का 426 कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। और उसके बाद जो कैंडिडेट बचे हैं वो देख सकते हैं 2,91,994 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, ठीक है, जिसमें 2,91,994 अभ्यर्थियों में से 46,026 कैंडिडेट जो थे वो अब्सेंट थे, परीक्षा में शामिल नहीं हुए। और उसके बाद देखेंगे जितने कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे फर्स्ट शिफ्ट में, तो देख सकते हैं 2,45,968 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में बैठे थे फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे, अब इधर तो देखने का ज़रूरत नहीं है, चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया गया है सेकंड शिफ्ट का। यहाँ पे अब दिया होगा सेकंड शिफ्ट का देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए सेकंड शिफ्ट का दिया गया है, यहाँ पे ये रहा सेकंड शिफ्ट। तो देखेंगे टोटल एडमिट कार्ड वगैरह कितना जारी किया गया था, इसमें भी लगभग वही था, 2,92,909 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी किया गया और इसमें अब्सेंट कितने थे 43,777 अब्सेंट हुए। टोटल एग्ज़ाम में कितने अभ्यर्थी बैठे थे, तो 2,49,132 कैंडिडेट जो है एग्ज़ाम में बैठे थे। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग कैंडिडेट ऑफ सेकेंड शिफ्ट, तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में अपीयर हुए बैठे थे, ये देखिए टोटल अभ्यर्थी 2,49,132 परीक्षा में बैठे थे एग्ज़ाम के लिए, और जिसमें 9,677 कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई किया गया है OMR वगैरह में जो गलती करते हैं उसके लिए, ठीक है। और रिजल्ट के लिए भेजा गया कितने को, 2,39,455 अभ्यर्थियों का रिजल्ट तैयार किया गया, जिसमें कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं ये देखिएगा नीचे दिया गया है, ठीक है। फाइनली 4 लाख, यहाँ पे देखेंगे 4,75,416 अभ्यर्थी जो थे एग्ज़ाम में बिल्कुल सही रूप से एग्ज़ाम दे दिए थे, जिसमें से 30% पास किए हैं और 30% फेल किए हैं,
टोटल 2,78,436 अभ्यर्थी जो है वो स्कोरिंग फेल किए हैं, जो मिनिमम मार्क्स था उसके अनुसार, उनके उसके अनुसार 30% लोग पास कर गए हैं और 30% लोग फेल कर गए हैं। टोटल 4,75,416 अभ्यर्थी थे। अब यहाँ पे देखेंगे कट ऑफ, ये प्रोफाइल दिया गया है, प्रोफाइल वगैरह है, तो प्रोफाइल देखने की तो उतनी ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं कैटेगरी वाइज देखते हैं कि कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, कट ऑफ देख लेते हैं। अब इसको देखिएगा ध्यान से, कितने कैंडिडेट जो है वो पीटी में क्वालिफाई किए हैं, कौन कौन से कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी पास किए हैं वो देखिएगा। जनरल के लिए दिया गया है 12,312 कैंडिडेट, जो मेल के कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट वो पास किए हैं जनरल में, और महिला कैंडिडेट 6,681, टोटल 18,993 अभ्यर्थी जो हैं वो पास किए हैं जनरल कैटेगरी से। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे देखेंगे आप ईडब्ल्यूएस का दिया गया है 3,641 कैंडिडेट जो है मेल से, और फीमेल का 1,259 अभ्यर्थी टोटल पास किए हैं। टोटल हो गया आपका 4,900 अभ्यर्थी जो है ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट पास किए हैं। बीसी का देखिएगा 4,253 कैंडिडेट पुरुष, और महिला के लिए 1,924 कैंडिडेट टोटल पास किए हैं। टोटल हो गया आपका 6,177, और ईबीसी का देखिएगा 6,177 मेल है और 2,464 फीमेल है। टोटल हो गया आपका 8,641 कैंडिडेट ईबीसी से पास किए हैं। एससी का देखिएगा 6,566 कैंडिडेट मेल पुरुष मेल, और फीमेल के लिए 1,453 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, और टोटल हो गया 8,019 कैंडिडेट पास किए हैं एससी कैटेगरी से। और एसटी का देखिएगा 343 कैंडिडेट मेल हैं और 160 फीमेल है, टोटल 503 कैंडिडेट। और बीसी वोमेन 3% जो था उसका देखिएगा 1,446 कैंडिडेट, जो बीसी का फीमेल 3% अलग से आरक्षण है उनके लिए 1,446 महिला अभ्यर्थी अलग से पास किए हैं। ठीक है, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए पुरुष 756 और महिला 71, टोटल 827। टोटल जो आपका है देखिएगा यहाँ पे 49,506 कैंडिडेट जो हैं वो टोटली सभी कैटेगरी को मिलाकर पास किए हैं, क्वालिफाई किए हैं पीटी एग्ज़ाम। ठीक है, और जिसमें 34,048 पुरुष हैं और 15,458 महिला हैं। देख लिए आप लोग, अब देखते हैं कि जो आपका कट ऑफ कितना गया था, देख लीजिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कट ऑफ देखिएगा, कट ऑफ आपका गया है जनरल का, देखिएगा जनरल का मेल के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 132.2 और परसेंटेज आपका हो गया 66.1% पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और वही महिला का बात करें तो 88 पे रिजल्ट हुआ है और परसेंटेज आपका हो गया 44%। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का देखिएगा 117.6 मार्क्स लाने वाले पास किए हैं, 58.8 परसेंटेज होगा, और आपका फीमेल के लिए 60 पे रिजल्ट हुआ है ईडब्ल्यूएस का और परसेंटेज हो गया 30% पे रिजल्ट हो चुका है। और बीसी का देखिएगा 125.2 मार्क्स जिन्होंने लाया वो पास कर लिया है, मेल कैंडिडेट 62.6% और फीमेल के लिए देखिए 72 जिन्होंने बनाया था 72.6 उनका रिजल्ट हो चुका है 36% पे। ठीक है, और यहाँ पे ईबीसी का देखिएगा 118.6 मार्क्स जिन्होंने लाया उन्होंने पास कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है, और परसेंटेज कितना था 69.3%। और महिला के लिए 60 नंबर पे पास कर दिया गया है और ये 30% पे ये आपका रिजल्ट हो चुका है। एससी का देखिएगा 103.8 पे रिजल्ट हुआ है मेल कैंडिडेट के लिए और परसेंटेज था 51.9%। वहीं आपका फीमेल का देखिए 60 पे रिजल्ट हो चुका है और ये आपका 30% पे दिया गया है। और यही एसटी का देखें 116 पे रिजल्ट हुआ, 116.6 मार्क्स और परसेंटेज हो गया 58.3%, और ये 67% पे इनका रिजल्ट हुआ है, सॉरी 67 पे एसटी महिला का हुआ है,
33.5% ये आपका परसेंटेज है। बीसी वोमेन खाली यहाँ पे जिनका 3% अलग से आरक्षण है उनके लिए 64.2% पे इनका रिजल्ट 64.2 मार्क्स पे इनका रिजल्ट हो चुका है, 32.1% स्कोरिंग है। ठीक है, फ्रीडम फाइटर के लिए पुरुष अभ्यर्थी 60 पे रिजल्ट हुआ है 30% और महिला के लिए 60 पे रिजल्ट हुआ है 30%। तो इस प्रकार से रिजल्ट दे दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में चयनित 50,072 अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। विस्तृत परीक्षा फल आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो वेबसाइट पे अब चलना होगा क्योंकि पेपर में रिजल्ट नहीं दिया गया है, पेपर में सिर्फ कट ऑफ वगैरह के बारे में दिया गया था जो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलिए वेबसाइट पर चलकर देखते हैं रिजल्ट आया है कि नहीं आया है। अब चलते हैं वेबसाइट पे, देखेंगे रिजल्ट आया है कि नहीं। तो देखेंगे ये देखिए वेबसाइट आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं bpssc.bih.nic.in। ठीक है, तो इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, इसे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजल्ट अभी तो देख लेते हैं रिफ्रेश करके, तो रिजल्ट अभी प्रकाशित नहीं किया गया है वेबसाइट पे। ये आपका 11 बजे तक आने की संभावना है, सुबह में 11 बजे तक आपका आ जाएगा। आज 28 तारीख है, आज ही के डेट में सुबह 11 से 12 बजे के बीच में अपलोड किया जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा मैं आपके लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा वीडियो लेके। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।